हेलो दोस्तों, अगर आप सस्ते दामों में कोई बेहतरीन कार लेना चाहते हो तो सीधा चले जाओ रिनॉल्ट के किसी भी शोरूम में। वहाँ पे जाके बात करो रिनॉल्ट क्विड के बारे में। दोस्तों, रिनॉल्ट क्विड का आज हम आपको पूरा यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेशन करके दिखाने वाले हैं। सबसे बेहतरीन गाड़ी कम दामों में अगर कोई मिलता है तो रिनॉल्ट मिलता है, ये आपको पता है। दोस्तों, इसका बहुत सारा वेरियंट मार्केट में आता है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक से लेकर आपको जितना वेरियंट आता है सबका मैं धीरे धीरे आपको वीडियो दे दूँगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ रिनॉल्ट क्विड स्टैंडर्ड वाले वेरियंट से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दो, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, रिनॉल्ट क्विड स्टैंडर्ड वाले वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 2,83,290 रुपया। इसका ऑन रोड प्राइस है 3,14,087 रुपया। अगर आप इसको 60 महीना यानी 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो तो आपका लोन अमाउंट होगा 2,54,961 रुपया। आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 68,556 रुपया और आपको मंथली ईएमआई पे करना पड़ेगा 5,480 रुपया। आपका फाइनेंस कंप्लीट होने तक आपका जो पैसा जाएगा वो है 3,90,768 रुपया 60 महीने का, पूरा एकदम कंप्लीट फाइनेंस होने तक। दोस्तों, अगर आप इसको 60 महीना नहीं 48 महीना यानी 4 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो तो आपका गाड़ी का टोटल कॉस्ट आ जाएगा 3,77,313 रुपया। आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 69,490 रुपया। आपको मंथली ईएमआई पे करना पड़ेगा 6,413 रुपया। बाई चांस अगर आप इसको 36 मंथ के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो यानी 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो तो आपका गाड़ी का टोटल कॉस्ट आ जाएगा 3,64,959 रुपया। आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 71,235 रुपया और आपको मंथली ईएमआई पे करना पड़ेगा 8,159 रुपया। दोस्तों, आप जितने कम सालों के फाइनेंस कराओगे उतना आपका गाड़ी के टोटल कॉस्ट कम होती जाएगी और डाउन पेमेंट और मंथली ईएमआई आपका बढ़ जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे जो कुछ ही बताया दिल्ली से 10% इंटरेस्ट रेट के साथ। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल है, सुझाव है, आपका आपको मुझे कहना है, पूछना है, बोलना है तो आप नीचे जाकर कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।